आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी। खुदा खुदा तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदाए कुदूस। अब जबकि हम अपने आप को तैयार करते हैं कि तेरे खून और बदन में शामिल हों, तो ऐ खुदाए कुदूस आज की ये ज़ियाफ़त बहुत सी जिंदगियों को बदले और खुदा खुदा हम सेहरी और आसूदगी हासिल करें और खुदाए कुदूस तेरा खून और बदन उसी कुदरत के साथ बढ़े और तरक्की करे। ऐ खुदाए कुदूस हम पर रहम फरमा, इन अनासर को बरकत दे जिन्हें खुदावंद हम तेरे नाम से मखसूस करते हैं, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन। अकादर मुतिक रही बाप, हमने खता की है और कोई बोड़े की माने तेरी राहों से भटक गया है। हमने अपने अपने दिल के मनसूबों और ख्वाहिशात की ज्यादा पैरवी की है। हम तेरे पाकों को खिलाफ चले हैं, जो हमको करना ना था वो हमने नहीं किया और जो हमको करना रवाना था वो हमने किया है और हमें कुछ सेहत नहीं। लेकिन ऐ खुदा तो हम आज इस कसूरों पर रहम कर। ऐ खुदा जो अपनी कथाओं का इकरार करते हैं तो उन्हें माफ कर, जो तौबा करते हैं उन्हें बहाल कर। इन वादों के बमूजब जब तूने हमारे खुदा यीशु मसीह की माफ़त बनी आदम से किए हैं और एक कमाल रहीम बाप इसकी खातिर ये बख्श के अंदर हम खुदा परस्ती कासबाजी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करें ताकि तेरे पाक नाम का जलाल साहिब हो। आमीन। हम खुदा के कलाम का वही हिस्सा सुने जो उसके बंदा पलूस की मार्फत हम तक पहुंचा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नए ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इसके खाने पीने से सजा पाएगा। आमीन। मैं उसी का खादम होने की हैसियत से इस रोटी को लेता, इसे तोड़ता, इसे बरकत देता और आपको इसमें शामिल होने की दावत देता। इसी तरह श्री यीशु ने प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया और कहा तुम इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा खून उस अहद का खून है जो बतेरों की गुनाहों की माफी वास्ते बहाया जाता है। मैं भी उसी का खादम होने की हैसियत से इस प्याले को लेता, इसे बरकत देता और आपको इसमें शामिल होने की दावत देता हूं। आमीन। हम दुआ करेंगे। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, बड़े ईमान भरोसे और तवक्कुल के साथ इन अनासर को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। खुदा खुदा हम याद करते हैं तेरे बेटे यीशु के तोड़े के बदन और तेरे बेटे यीशु के बहाए के लहू के लिए खुदा खुदा इन्हें बरकत देकर मखसूस करते हैं। अरे खुदा मेहनत करते हैं कि जितने लोग खाएं पिए वो तेरे हजूर में से फैजयाब हो, बरकत पाए, रूहानी बरकत पाए यीशु के अकादर नाम के वसीले से। आमीन। जो इसमें शामिल होते हैं वो शामिल हो सकते हैं।
Thank you.
Yeah.
پریس کے گرجا میں اس میں شامل ہوئے ہیں, محنت کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں روحانی طور پر تانس کی عطا کرے. خدا خدا تیرے آگے محنت کرتے ہیں, تیرے بیٹے یسو کا توڑا ہوا بدن, تیرے بیٹے یسو کا بہایا گیا لہو ہمیں تبدیل کرے. کلیسیا کو برکت ہے یسو ناصری کا نام سے. آپ دیکھ رہے ہیں گومتی چرچ ٹی وی.